हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ लेकर आई हूँ मोमोज मंचूरियन की रेसिपी। तो ये जो रेसिपी है उसमें मोमोज और मंचूरियन एक ही साथ होंगे, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगती है ये रेसिपी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम जो है मोमोज बनाकर तैयार करेंगे। तो हम सबसे पहले मोमोज के लिए स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन में ऑयल लिया है और ऑयल अच्छा गर्म हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन। तो मैंने 7 से 8 लहसुन की कलियों को एकदम छोटा छोटा काट करके लिया था, वो मैंने इसमें डाली हैं। और एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा जिसे मैंने ग्रेट करके लिया है वो डाला है इसमें। हल्का सा इन्हें भून लेंगे जिससे कि कच्चापन जो है लहसुन का दूर हो जाए। तो हल्का सा भून लिया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई, एक बारीक कटी हुई प्याज। और प्याज को हमें हल्का सा सॉटे कर लेना है, ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हल्का सा पकाना है। प्याज को मैंने यहाँ पर पका लिया है और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सब्जियाँ। तो मैं इसमें डाल रही हूँ ग्रेट की हुई शिमला मिर्च, ग्रेट की हुई गाजर और ग्रेट किया हुआ पत्ता गोभी। और मैंने अब इसे बस 2 मिनट के लिए जो है पका लिया है, क्योंकि सब्जियां जो मोमोज में हैं वो थोड़ी क्रंची अच्छी लगती हैं। तो सिर्फ 2 मिनट के लिए पकाया है, ओवर कुक नहीं किया है इन्हें। 2 मिनट पकाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे पनीर। तो ये 1 कप पनीर लिया है मैंने और मैंने पनीर को भी ग्रेट करके लिया है। और 1/2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाला है, 1 चम्मच नमक डाला है और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट के लिए हम फिर से इसे पकाएंगे। तो 2 मिनट के लिए मैंने यहाँ पर सब्जियों के साथ पनीर को पका लिया है। अब मैंने कर दिया है गैस का फ्लेम ऑफ और स्टफिंग को एकदम अच्छे से ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इसकी स्टफिंग करेंगे। तो अभी इसे कम्प्लीटली ठंडा होने देते हैं, उसके बाद एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पर ये 1 कप मैदा ली है और इसमें मैं डाली हूँ 1/2 चम्मच नमक और 1 छोटा चम्मच हम इसमें ऑयल डाल देंगे। तो मैं यहाँ पर जो डो है वो मैदा का लगा रही हूँ और सूजी के मोमोज भी मैं आप लोगों के साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ। वीडियो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी वीडियो का लिंक, आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। तो नमक और ऑयल डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लिया था और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके सॉफ्ट डो लगाकर तैयार करेंगे। तो जैसा रोटियों के लिए डो लगाते हैं वैसा ही सॉफ्ट डो हमें लगाकर तैयार करना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हम डो लगाकर तैयार कर लेंगे। तो डो मैंने यहाँ पर लगा लिया है और अब हम इस पर थोड़ा सा ऑयल डाल करके इसे 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। तो पूरे डो पर इस तरीके से ऑयल को लगा देंगे और 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे। तो 10 मिनट हो चुके हैं, डो हमारा अच्छे से सेट हो गया है और एक बार इसको इस तरीके से मसल देंगे। और अब हम इसमें से थोड़ा सा जो पार्ट है वो डो का लेंगे और इसकी इस तरीके से लोई बना लेंगे और फिर हम इसे रोल करेंगे एकदम पतला पतला। तो रोलिंग पिन की मदद से हम इसे एकदम पतला बेलकर तैयार करेंगे और ऊपर से मैंने इसके ऊपर सूखा आटा जो है डस्ट कर लिया है और अब हम इसे एकदम पतला बेलकर तैयार करेंगे। तो मोमोज की जो पूरियां हैं वो एकदम पतली ही अच्छी लगती हैं, मोटी नहीं रखनी है। और पूरी पूरी को हमें सभी तरफ से जो है इक्वल बेलना है, कहीं से भी मोटी या पतली नहीं होनी चाहिए, सभी तरफ से एक जैसी हो। तो मैं इसे एकदम पतला बेल ले रही हूँ। तो यहाँ पर हमने ये बड़ी सी एक पूरी को पूरा पतला बेल लिया है और अब मैं एक इस तरीके का बोल ले रही हूँ और इससे हम इसे कट कर लेंगे। तो इस तरीके से एक बार में जो है हमारी 3 पूरियां बनकर तैयार हो गई हैं। तो इस तरीके से हमें जो है मोमोज बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, एक एक पूरी बनाते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैंने एक बड़ी सी रोटी बना करके उसको 3 पूरियों में कट कर लिया था। अब हम एक पूरी को लेंगे, उसके ऊपर इस तरीके से 1 स्पून स्टफिंग फिल करेंगे। उसके बाद जैसे हम कचौड़ियों को बंद करते हैं उस तरीके से इसे बंद करेंगे।
तो इस तरीके से हम इसमें प्लेट्स बना लेंगे और अब हम इसे इस तरीके से दबा देंगे। तो अच्छे से दबा देंगे इसे जिससे कि ये खुले ना। तो इस तरीके से मैंने सारे मोमोज जो हैं वो बनाकर तैयार कर लिए हैं और अब हमें इन्हें स्टीम करना है। तो मैंने पहले ही एक कढ़ाई में जो है पानी गर्म होने के लिए रख दिया था, उसके ऊपर मैंने इस तरीके से होल्स वाली जो है एक प्लेट रखी है जिससे कि इसमें से स्टीम बाहर आएगी, और इसके ऊपर ऑयल लगा दिया है पूरी प्लेट पर। अब हम जो है इस पर एक एक मोमोज इस तरीके से रखेंगे। तो सारे मोमोज़ को जो है हम इस तरीके से रख देंगे। मोमोज रख दिए हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही रखे हैं और अब हम इन्हें ढक करके 10 मिनट पकाएंगे। तो 10 मिनट मैंने इन्हें पका लिया है और 10 मिनट में हमारे जो मोमोज हैं वो अच्छे स्टीम हो जाते हैं। आप देख सकते हैं मोमोज जो हैं वो ट्रांसपेरेंट हो गए हैं, इनमें से अंदर से स्टफिंग दिख रही है, यानी कि हमारे मोमोज जो हैं अच्छे से स्टीम हो गए हैं। अभी मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है और एक एक मोमोज को जो है हम इस तरीके से प्लेट में बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ पर हमारे मोमोज तो बनकर तैयार हैं और अब हम बना लेते हैं मंचूरियन की ग्रेवी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई में 1 टेबलस्पून ऑयल लिया है। ऑयल हमारा अच्छा गर्म हो गया है तो मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच फाइनली कटा हुआ लहसुन और 1 छोटा चम्मच फाइनली कटा हुआ अदरक। हल्का सा इन्हें भून लेंगे जिससे कि कच्चापन इनका दूर हो जाए। और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये फाइनली चॉप की हुई प्याज। तो प्याज को जो है हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ हल्का सा सॉटे कर लेना है। तो प्याज को हल्का सा सॉटे कर लेंगे। ये प्याज को मैंने हल्का सा पका लिया है और इस टाइम पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ शिमला मिर्च जिसे मैंने एकदम फाइनली चॉप करके लिया है, और फाइनली चॉप की हुई गाजर भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और इसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ फाइनली चॉप किया हुआ पत्ता गोभी। और सब्जियों को हमें हल्का सा भून लेना है, ज़्यादा नहीं पकाना है, सब्जियां क्रंची रहें इतना ही पकाना है। तो यहाँ पर 1 मिनट के लिए मैंने सब्जियों को पका लिया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे सॉसेस। तो मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून विनेगर, 1 टेबलस्पून सोया सॉस डाल देंगे, 1 टेबलस्पून टोमेटो सॉस और 1 टेबलस्पून सेज़वान चटनी। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप रेड चिली सॉस भी इसमें डाल सकते हैं। और ये 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, और मैं इसमें डाल रही हूँ इसे अच्छा कलर देने के लिए 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। इसमें मिर्च नहीं होती है, बस अच्छे कलर के लिए मैंने इसे ऐड किया है। और अब हम इसमें डालेंगे ये कॉर्नफ्लावर की स्लरी। तो मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर को 1/2 कप पानी में अच्छे से मिक्स करके इसमें डाल दिया है और इसे अच्छे से हम मिक्स करते हुए पका लेंगे। और इसी के साथ इसमें डाल देंगे 1/2 कप पानी। तो कॉर्नफ्लावर से ये जो हमारी ग्रेवी है वो थिक होती है, जिसे कंटिन्यूसली पकाते जाएंगे, जैसे जैसे ये पकती जाएगी थोड़ी देर में ही ये जो है थोड़ी सी थिक होने लगेगी। ये देखिए इस तरीके से ये थिक हो गई है। तो बस हमें जो ग्रेवी है वो इसी तरीके की चाहिए। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपने मोमोज जो हमने अभी बनाकर तैयार किए थे। तो ये मोमोज डाल देंगे और इन्हें मोमोज को डालने के बाद हम 1 मिनट के लिए पका लेंगे। तो ये मोमोज मैंने इसमें सारे ऐड कर दिए हैं और इसे 1 मिनट के लिए पका लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे मोमोज मंचूरियन बनकर तैयार है। गैस का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है और अब हम इन्हें सर्व कर लेंगे अपने मोमोज मंचूरियन को। तो सभी को ये मोमोज मंचूरियन की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ।